नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए QR कोड कैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट आप YouTube के लिए ही नहीं, आप Facebook, Instagram किसी भी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के लिए QR कोड कैसे बना सकते हैं। वैसे आप बना किसी भी वेबसाइट के लिए सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो लोग फेसबुक पर देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के QR कोड को बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उस एप्लीकेशन की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे QR कोड अपने YouTube चैनल के लिए बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके कोई QR स्कैनर को QR कोड को स्कैन करेगा तो सीधे आपके YouTube चैनल पर पहुंच जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो नॉलेजेबल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने इस नॉलेजेबल वीडियो का ज्ञान ले पाए। तो दोस्त, उस एप्लीकेशन के बारे में बताने के लिए हमें अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने YouTube चैनल के लिए QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना होगा QR स्कैनर। QR स्कैनर सर्च करेंगे, QR स्कैनर, ये देखिए QR स्कैनर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पहले में आ रहा है, फर्स्ट नंबर में आ रहा है, ये आपका ऐड है, तो इसे आपको नहीं करना है कुछ। और उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि QR एंड बार कोड स्कैनर, ये आपको डाउनलोड करना है, या फिर ये है QR एंड बार कोड रीडर, ये आपको डाउनलोड करना है। इसे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर लेना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक स्कैन यूजिंग द कैमरा और दूसरा दिख रहा है स्कैन इमेज। तो दोस्तों, उसके बाद आपको ऊपर में देख लीजिए, यहाँ पर स्कैन, उसके बाद क्रिएट, उसके बाद हिस्ट्री एंड देन सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, तो आप देखेंगे कि कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, वाईफाई, लोकेशन, इवेंट, आप किसी का भी QR कोड बना सकते हैं। तो हमें वेबसाइट का बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान देखें, आपको अपने YouTube चैनल का जो लिंक है उसे कॉपी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना YouTube ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आएंगे। सो दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है आपके YouTube चैनल पर। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे दिख रहा होगा योर चैनल, वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, और यहाँ पर आप एक कॉपी लिंक कर लीजिए। कॉपी लिंक करने के बाद अब आप यहाँ से बैक हो सकते हैं। बैक हो जाने के बाद है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पर इसे कट कर दीजिए। इसे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से आप इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसे राइट वाले ऑप्शन पर, जो आपका ओके का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप इसे देख पाएंगे कि ये जो आपका YouTube चैनल का QR कोड है वो जनरेट हो चुका है। यानी कि आप इसका यूज़ करके, आप अगर आप अपना QR कोड कहीं लगाते हैं और उसका अगर कोई QR कोड को स्कैन करेगा तो सीधा आपके YouTube चैनल पर पहुंचेगा। तो दोस्तों, इसे आप सेव करके रख सकते हैं, या तो आप इसे PNG में सेव कर लीजिए या फिर प्रिंट करके रख लीजिए। सेव करने के बाद चलिए आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाइए। बैक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर अगर फिर से वेबसाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे कट कर देना है। कट करने के बाद अगर आपको अपना फेसबुक वाला QR कोड चाहिए तो आपको यहाँ पर अपना फेसबुक का URL देना होगा। फेसबुक का URL देने के बाद फिर से आप इसे राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका QR कोड बनके रेडी हो जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी वेबसाइट का URL बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी जो लोग फेसबुक पर देख रहे हो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लेना, ताकि आने वाले
आगे वीडियो आपको मिलती रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं patanjalijaclasses@gmail.com पर, या फिर आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।